हे गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के बज चुके हैं 10। आज फिर से हम सुबह उठने में, जो हमारा सुबह उठने का प्लान था उस पर हम कामयाब नहीं हुए। मतलब मैं उठ तो गया था, एक घंटा हो गया मुझे उठे हुए। थोड़ा ब्लॉग वगैरह जो अपलोड किया उसका थंबनेल डाल रहा था। बाहर धूप हो रही है और इसी धूप में हमें जाना पड़ेगा नीचे नियो को लेके फॉर इज मॉर्निंग वॉक, सो दैट वो थोड़ी गर्मी खा लेंगे। कोई बात नहीं नियो, चलो बेटा देखो एक्साइटेड के चलो। नियो चले घर, बहुत घूम लिया। नियो लेट्स गो होम। गाइस नियो के साथ मैंने ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर करीबन वॉक किया और देखो क्या हो गया, पसीना पसीना पूरा। चलो थोड़ी कैलोरीज तो बन गई, सो अभी फिलहाल थोड़ा वर्कआउट करने का प्लान है। इससे पहले कुछ खाएंगे, कुछ छोटा मोटा खाएंगे, ज़्यादा हैवी नहीं। मैं सोच रहा हूँ कुछ फ्रूट वगैरह ट्राई करता हूँ प्री वर्कआउट लेने से, वर्कआउट में थोड़ा पंच भी मिलता है। वैसे वर्कआउट में कुछ ज़्यादा हैवी करने नहीं वाला, सो डिसाइड करता हूँ अभी क्या करना है, बताता हूँ आपको। सो गाइस फिलहाल मैं प्री वर्कआउट मील में क्या ले रहा हूँ आपको दिखाता हूँ, आप हंसोगे। ले रहा हूँ आम। सो गाइस ये है बम्बई आम, एक सेकंड लाइट नहीं आ रही। यस ये है बम्बई आम और ये स्पेशली आए हैं उत्तराखंड से, पापा लोग लेके आए थे और मुझे ये बहुत पसंद है। सो जब तक ये ख़त्म नहीं आता तब तक मैं इन्हें डेली खाऊंगा, मतलब मैं डेली ऑलरेडी खा रहा हूँ, आगे भी खाता रहूँगा। जल्दी से इन्हें खाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर में वर्कआउट स्टार्ट करेंगे और साथ में थोड़ा टीवी देखते हैं। गाइस सो वर्कआउट इज़ डन, ज़्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ा कार्डियो वाले एक्सरसाइज किए, मोस्टली फ्री वेट्स, वेट वगैरह उठाने का कोई सीन नहीं था मेरा आज, इसलिए मैंने कोई भी वेट्स वगैरह लिफ्ट नहीं किया आज। अब कुछ दिन इसी टाइप का वर्कआउट रखेंगे हाँ, ताकि एक तरीके से कंसिस्टेंसी ला पाऊँ मैं इसमें, इसके बाद जाके मैं वेट्स ट्राई करूँगा। फिलहाल प्रोटीन वगैरह पीते हैं। सो गाइस वर्कआउट के बाद थोड़ी भूख लग गई थी, मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं थोड़ा बोड़ा, फिर थोड़ी देर में नहाएंगे और लंच करेंगे प्रॉपर। सो फिलहाल के लिए थोड़े नट्स और एक स्कूप वे प्रोटीन, साथ में थोड़ा टीवी। सो गाइस फिलहाल हाथ धो लिया है मस्त करके, लंच करने की बारी है। कौन सी लाइट जल रही? हाँ सो फिलहाल लंच करने की बारी है। लंच में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा हल्का ही लंच रखेंगे, मोस्टली पीनट बटर सैंडविचेस एंड थोड़ा ऑमलेट टाइप्स, थोड़ा प्रोटीन के लिए बस दैट्स इट। मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा ये रोटी चावल ना थोड़े दिन अवॉइड करने की। वैसे अभी ना बहुत आंधी तूफान आया लेकिन बारिश नहीं आई। फरीदाबाद के इस एरिया में बारिश थोड़ी कम होती है, थोड़ी क्या बहुत कम होती है बारिश यहाँ, बाकी मतलब आसपास की जगहों के अकॉर्डिंग। दिल्ली वगैरह में अच्छी खासी बारिश होती है, बढ़िया बारिश ही नहीं होती है। बट हाँ ये है थोड़ा मौसम थोड़ा ठीक हो गया, अभी ह्यूमिडिटी थोड़ी कम लग रही है। चलो तो चलो तुम्हें बाहर जाना है क्या? गाइस तो कल हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी अमेजोन से, वो आ चुकी हैं, सो जल्दी से चेक करते हैं कि क्या क्या डिलीवर हुआ है। सो ये तो दिख रहा है साफ साफ लोअर है, ये मैंने एक लोअर ऑर्डर किया था कल, वैसे तो मेरा लोअर है बट मैंने एक एक्स्ट्रा कर लिया था। एक क्या मैंने दो किए हैं, एक डिलीवर हो गया एक नहीं हुआ है, देखते हैं कैसा है। और मुझे लग रहा है इसमें पावर बैंक होगा, तो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसा है। सो गाइस ये है वो पावर बैंक, इसके साथ एक केबल भी आई है, ये टाइप सी केबल है, सॉरी टाइप सी नहीं है, मतलब यूएसबी टू टाइप सी केबल है। ओके एंड ये रहा हमारा पावर बैंक। ओके ये ना बहुत प्रीमियम लग रहा है देखने में, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है देखने में। ओके और इसमें ये वाला आउटपुट है और ये इन और आउट है, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। बैटरी इंडिकेटर ये है। ओके नाइस, तो इसको चेक करके देख। ओके थोड़ा टाइट सा है यूएसबी पोर्ट इसका, एंड्रॉइड फ़ोन है। और ये हो गया चार्ज स्टार्ट, इसका मतलब पावर बैंक एकदम ठीक है। इसका टाइप सी पोर्ट चेक करने के लिए मेरे पास एक टाइप सी केबल भी है, उसको भी देखते हैं। सो गाइस इसका टाइप सी पोर्ट भी चेक करते हैं, ये है टाइप सी टू लाइटनिंग केबल। टाइप सी पोर्ट दोनों इन और आउट के लिए काम करना चाहिए, लगाना एक बार ज़रा कोमल के फ़ोन में चेक करते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन से तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ये स्टार्ट हो गई चार्जिंग। ओके सो पावर बैंक इज गुड, दिस पावर बैंक इज गुड।
गाइस मैंने ये एक लोअर मंगाया, और एक्चुअली ये लोअर मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि ये काफ़ी सस्ता भी था, और सेकंड थिंग ये कि ये वाला लोअर मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ, मतलब सेम लोअर मैं पहले मंगा चुका हूँ और मुझे बहुत सही लगा था ये लोअर, और मैंने दोबारा मंगाया सेम चीज़, बट अभी ये ऑलमोस्ट पहले से हाफ रेट में पड़ा है मुझे, इसको ट्राई करते हैं कैसा ये है। तो गाइस आप देख सकते हैं लोअर की फिटिंग काफ़ी सही है और एक कंफर्टेबल भी काफ़ी है, मैंने पहले यूज़ किया हुआ लोअर, मुझे काफ़ी पसंद था, मैंने बहुत पहना और पहन पहन के इस लोअर को मैंने फाड़ दिया था, इसलिए मैंने सेम लोअर दोबारा ऑर्डर कर दिया है। सो या इट्स गुड, दोनों प्रोडक्ट जो आज हमने ऑर्डर किए हैं तो दोनों टॉप नॉच हैं। सो गाइस ऑफिस ख़त्म हो चुका है, रात के हो चुके हैं 10:30 एंड हमने डिनर भी कर चुके हैं, तो मुझे मस्त आज थोड़ा हेल्दी डिनर बनाया था मोटू ने, तो हम वो भी कर चुके हैं एंड नियो भी बाहर नीचे जाने के लिए तैयार है, सो एक राउंड नीचे जाते हैं फिर आएंगे और सो जाएंगे मस्त करके, ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ। हाँ आज का दिन थोड़ा स्लो था। नियो कम, नियो चलो, सो नीचे जाते हैं एक राउंड, घूम के आते हैं एक राउंड। गाइस रात का मौसम भी कुछ खास नहीं है, वैसे तो बहुत अंधेरा दिख रहा होगा, नहीं हो यहाँ इतनी रात को भी बहुत ह्यूमिडिटी है, जैसा सुबह था वैसा ही है, थोड़ा सा फ़र्क है ज़्यादा नहीं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। जल्दी से नीव घुमाते हैं और ऊपर जाते हैं। गुड नाइट भैया, नीव कम ऑन, चलो नो नो कम 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 नियो, सो गाइस बाहर से वापस आ चुके हैं एंड आज सुबह मैं एक वेब सीरीज देख रहा था, मतलब एक दो एपिसोड देखे मैंने उसके, हॉटस्टार पे वेब सीरीज का नाम है सिटी ऑफ ड्रीम्स, सो अगर आप में से किसी ने देखी है तो मुझे बताना कैसी है। फिलहाल इसके मैंने एक दो एपिसोड देख लिए, और कोई और वेब सीरीज जो आपकी फेवरेट हो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए, कमेंट में बताइए मुझे आपको कौन सी वेब सीरीज अच्छी लगती है, या मुझे सजेस्ट करें मुझे कौन सी वेब सीरीज देखनी चाहिए। जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तब से बिल्कुल भी मैं वेब सीरीज वगैरह सबसे दूर हो चुका हूँ, थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, और इस टाइम पे भी मैं कर रहा हूँ एडिटिंग ताकि ये वाला ब्लॉग आपको टाइम पे मिल जाए। सो गाइस करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म एंड आपसे मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy.